सीरियल तेरा मेरा साथ में दो दुल्हने हैं, एक तरफ प्रिया तो दूसरी तरफ गोपिका। आखिरकार कौन किस पर भारी होगी, मतलब भारी पड़ेगी, आइए देखते हैं। साथ दो दो दुल्हने, एक दुल्हन है गोपिका तो दूसरी दुल्हन है प्रिया। एक का पति उसका पति है तो दूसरा उसके पति को अपना बनाना चाहती है। जिसके लिए देखिए उसने क्या हथकंडा अपना लिया है। अब प्रिया की साजिशें कुछ इस कदर बढ़ गई है कि कभी सोचा भी नहीं होगा गोपिका ने कि उसे कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। वो खतरनाक तो है ये गोपिका जानती थी, लेकिन इस कदर वो आशी की गर्दन पर चाकू रख देगी कभी सोचा नहीं होगा। जी तो प्रिया एक्चुअली सोचती है कि वो उसे लगता है कि वो मेरे पति से प्यार करती है, पर इन रियलिटी वो अपने आप से इतना प्यार करती है कि वो पूरी अंधी हो चुकी है। और जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिल्यूजन, तो वो अपने डिल्यूजन को सपोर्ट करते हुए कुछ चीज़ें यू नो कर रही है, बिकॉज उसे लग रहा है वो बहुत सही जा रही है, बट एवरी टाइम उसे वो जो भी कदम लेती है वो वहीं पर गिर जाती है। प्रिया आई थी गोपिका को बेहोश करने, लेकिन वो बेहोश हुई नहीं। फिर क्या, आशी के गर्दन पर उसने चाकू रखा और कहा कि रुमाल अपने मुंह पर लगा लो। गोपिका कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गई, तो उसके बाद प्रिया ने गोपिका और आशी को बांध दिया। अब जैसे तैसे दोनों बहनों ने रस्सी खोली और वो प्रिया को ढूंढने निकल पड़ी। तो ये शो में मैं बहुत कुछ शूट पटांग चीजें कर रही हूँ जो एक्सपेक्टेड नहीं था गोपिका से। तो आप ड्रामा देखोगे, आप फाइटिंग देखोगे, आप दो लड़कियों की, जैसे आप वो हमारे अंग्रेजी में बोलते हैं कैट फाइट देखोगे। ये शादी का ट्विस्ट है, यहाँ पर प्रिया जबरन शादी करना चाहती है सक्षम के साथ, लेकिन गोपिका ऐसा होने नहीं देगी। ये शादी तो किसी भी कीमत पर होगी नहीं, और जैसा कि अभी प्रिया सपने भी देख रही है कि वो सुहागरात के दिन सक्षम के साथ है। अब गोपिका के साथ सक्षम भी तो मिला हुआ है, वो इस कमरे में आया तो है लेकिन प्रिया का पर्दा फाश करने के लिए। खैर शादी ब्याह में ऐसे ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं, और हमेशा ऐसे ट्विस्ट खलनायक और खलनायिका पर भारी भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको भी देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।